I've fallen in love with I Love. I love you. Él vole, wow. इतनी अपसेट क्यों है? मैं टीसी लेकर कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। टीसी? रुक रुक, क्यों? क्या हुआ? विक्रम की हैरेसमेंट ज्यादा हो गई। बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया। विक्रम, बिहेव योरसेल्फ, ये सही नहीं है। तू क्यों बोल रही है? तेरे घर आऊं क्या? तेरे घर आऊं? बोला हूं? बोला। गुंडागर्दी मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। पुलिस को? पता है ये लोग कौन है? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है? हाँ, ये वर्कर्स हैं। क्या? ओनर्स। ओनर्स? सर, मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पैसे जमा कर दो, एडमिशन हो जाएगा। कौन है वो जिसने तेरी ये हालत बनाई है? डैडी, मुझे चक्रवर्ती और उसके बेटों ने मारा है। इत्मीनान रखो, टाइम आने दो, बदला लेंगे सही वक्त आने पर। आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। तू जा, पार्टी कर जा। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अश्वित नारायण वर्मा की बेटी की एंगेजमेंट माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा के इकलौते बेटे राजेंद्र वर्मा से होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दो फैमिली एक हो रही है। जस्ट हैव अ लुक अंकल। ब्रेकिंग न्यूज, कल रात महेंद्र वर्मा के बेटे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। वो अपनी एंगेजमेंट से लौट रहे थे। By the way, ये एक्सीडेंट दरअसल मैंने ही करवाया। वो मेरे पास एक वीडियो लेकर आया जिसमें तुम्हें खैर लड़के के साथ दिख रही थी। जरा सोचो, अगर ये इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हो जाती तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती, इसीलिए खत्म कर दिया उसे। अगर तुम्हें किसी से प्यार था तो एंगेजमेंट करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। वो ब्रेकअप हो गया था डैडी। ये घर, फैक्ट्री, जमीन जायदाद जो भी मैंने कमाया, वो लुट जाए तो दोबारा हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इज्जत लुट जाए तो दोबारा हासिल नहीं हो सकती। इज्जत लुटवाने के लिए तुम्हें पैदा किया था। क्या करो? Great daughter,
मर के मेरी इज्जत बचा ली। इस नारायण वर्मा से कोई जान मांगेगा तो वो दे देगा, लेकिन अगर वो उसकी इज्जत को दाग लगाएगा तो उसकी जान ले लेगा। ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते। कारण? आपका बैकग्राउंड। और क्या है वो? किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कोर्ट केसेस और लिकर का बिजनेस। लोग मेरा नाम सुन के डरते हैं। मेरे हाथों में पावर है, पैसा भी बहुत है। जो नहीं है वो है रेस्पेक्ट। बस उसके लिए ही इस फील्ड में आना चाहता हूँ। लेकिन आपके उस प्रोजेक्ट में आने से उसकी प्रेस्टीज खत्म हो सकती है। आपकी एक बेटी है और मेरा एक भाई है, दोनों की शादी करा देंगे, फिर एक हो जाएगी आपकी और मेरी प्रेस्टीज। यू आर टॉकिंग टू मच। सिक्योरिटी क्या होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग रास्ते बनाते हुए चलते हैं, मेरी तरह। देखो, बाय द वे ये मेरे भाई हैं, ये मुझसे छोटा और ये सबसे छोटा, आपका दामाद। ससुर जी विशम। हाय ससुर जी। ओ खून, शह। खून से शुरू हर संबंध बहुत मजबूत होता है, कोई नहीं तोड़ सकता। कल मिलो ससुर जी। इस पवार का भाई आ कब रहा है? कल आ रहा है, देख लो। अब जाके कर ले शादी। तुम्हारा नाम गगन है ना? यस सर। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन सी इंडस्ट्री? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं डैडी। वो रोड पर बैठकर भजिया खाते हैं, बाजार में गुंडों की तरह घूमते रहते हैं और स्टूडेंट्स को लकड़ी से मारते हैं, सड़क पर शराब पीकर लुढ़क जाते हैं, कहीं वो ही तो नहीं है? सर, पापा ही आपसे बात करेंगे। मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, एक बार। चुप करो, बाजारू हो गई है। आपने मेरी स्वीटी को बाजारू कैसे कहा? डैडी, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। जाओ, जिससे शादी करानी है करो, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि इसकी आंख में आंसू आया तो मार डालूंगा। जो भी स्वीटी को रुलाएगा उसे मार डालूंगा। वो लड़की हमारी घर की बहू बन के आए, ऐसा हम सब ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करें अंकल? गगन को कहीं दूर भेज देते, वो यहां उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। भेज दो उसे, उसे भेज दो। कहां भेजोगे? वाइजैग, मेरे जानने वाले हैं वहां। तुम गगन ही हो, am I right? Yes, I'm right. Just chill, boss. सत्यम अंकल, मैंने तो सोचा था कि ये बंदा बहुत कूल होगा, पर देखिए कितना बोरिंग है, पर मैं इसे ठीक कर दूंगी। Speak to you later. Bye-bye. ये बताओ, तुम्हारा प्यार छीनने वाले को तुमने छोड़ क्यों दिया? चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं। बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हट जा। Oh, my God.
बेटा तो भगवान का रूप है। अपनी जान पर खेलकर तूने हमारी जान बचाई बेटा, थैंक यू वेरी मच। पर ये अटैक क्यों किया था? मेरी बहू के लिए। बहू के लिए? उस दिन जब तुमने हम लोगों को बचाया तब वो मेरी बहू को उठाने आया था। मेरे पति के मान और मर्यादा की लड़ाई में हमारी बहू के साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटा। अब तुम्हारी आंखों से मैं एक आंसू नहीं निकलने दूंगा। स्वीटी, चाहे इस जिंदगी में तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर मैं दूंगा। I love you forever and ever and ever, मरते दम तक, दम तक। भैया, घर में लड़की के आने से घोर अनर्थ हुआ है, आगे भी होगा। उपाय है, भगा दो इस मनहूस को, भगा दो। हम सब कल मंदिर जाएंगे उसे लेकर। अब आप जाकर कावेरी नदी में स्नान करें, आपके स्नान करते ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी। स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे क्रश कर रखूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई को किसने मारा? उसने। तुम्हारे घर की इज्जत समान तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने उठाकर कौन ले गया? चक्रवर्ती का बेटा। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी इज्जत दोनों के साथ उसने खिलवाड़ किया और तुम दोनों हो कि आपस के झगड़े में उलझे पड़े हो। मेरी बात मानो तो दोनों मिलकर उस लड़के को खत्म कर दो और उस लड़की को उठा लाओ। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि सही वक्त आने पर उस लड़के को उसकी नानी याद करवाऊंगा, और अब वो वक्त आ गया है। आओ बेटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। आओ भी बिना। मैं देखता हूँ, प्लीज। गगन, पता चला पापा को गोली लगी है। वो कहाँ है? ऑपरेशन चालू है सर। ऑपरेशन? ये हॉस्पिटल मेरा है और ऑपरेशन मैं ही करता हूँ। आखिर उनका ऑपरेशन कौन कर रहा है?
पापा वहां है। भैया मैं आ रहा हूं। गगन वो लोग स्वीटी को अपने साथ ले गए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया। अब भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं। भैया, हे कोई उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है। मत मारिए इसे। जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट मेरे रास्ते से। कहा था स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम लोगों ने रुलाया उसको। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शान और शौकत आलीशान जिंदगी अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार। तो बड़ा कौन हुआ? तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहां गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा छोड़ दिया। तुमसे मिलने जाओ, मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी, बहुत स्वीट नेम है।